स्वागत है दोस्तों आपका कन्फ्यूज़न 9.2.11 में। दोस्तों यहाँ पे कन्फ्यूज़न बहुत सारे लोगों के बीच थी और मैंने भी अपने प्रीवियस वीडियो में थोड़ा कट ऑफ को लेकर एक गलत प्रिडिक्शन किया था, गलत तरीके से। उसी को मैं इस वीडियो के माध्यम से सुधार करना चाहता हूँ। असल में यहाँ बहुत सारे छात्रों को भी और मैं भी कन्फ्यूज़ कर गया था, थोड़ा प्रथम दृष्टया जल्दबाजी में, या कहें कि मार्किंग सिस्टम कैसे दिया जाता है यहाँ पे। तो जो बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ था 22 दिसंबर को, एडवर्टाइजमेंट नंबर देख सकते हैं आप, यहाँ पे दिया हुआ है विज्ञापन संख्या 01/2019, जिसमें टोटल यहाँ पे देख सकते हैं विभिन्न पद में कौन कौन से कितनी रिक्तियाँ थी इसके लिए जो भर्ती हुई थी। इसमें जैसे कहा गया था कि देख लीजिए यहाँ पे कि मार्किंग सिस्टम कैसे दिया जाएगा। तो यहाँ पे था आपका एक चीज़ देखिएगा, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन जो हो रहा है सही जो होगा, प्रारंभिक परीक्षा जो जो था वो 200 अंकों का था, यानी कि एक सही अगर कर रहे हैं तो उसमें आपको 2 मार्क्स मिल रहे हैं, और जब गलत कीजिएगा तो गलत करने के बाद आपका 0.20 काटा जा रहा है निगेटिव में। यहाँ पे देख लीजिए प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटा जाएगा। तो यहाँ पे चूंकि एडवर्टाइजमेंट में यहाँ मेंशन नहीं किया गया है कि 0.2 अंक प्रत्येक गलत उत्तर के लिए, जैसे गलत उत्तर मान लीजिए कि हम एक क्वेश्चन गलत किए तो प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 × 0.2 इतना निगेटिव करना चाहिए था, लेकिन ये प्रोसेस नहीं है। यहाँ पे होगा प्रत्येक गलत उत्तर, यानी कि एक गलत उत्तर कर रहे हैं तो वो गलत उत्तर कितने मार्क्स का था, यानी कि 2 मार्क्स का था, तो 2 मार्क्स का 0.2 नंबर कटेगा, यानी 2 × 0.2 मार्क्स, यानी कि बटा अगर डिवाइड इसको 10 कर दें तो 5, यानी 2/5 नंबर जो आपका टोटल मार्क्स आएगा उसमें से काटा जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं ताकि आप लोग बेहतर तरीके से समझ जाएं। जैसे मान लीजिए कि मेरा राइट राइट हुआ मेरा 60 क्वेश्चन, ठीक है, और रॉन्ग हुआ मेरा 40 क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन कितना हो गया 100। तो राइट हुआ तो 60, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो 60 × 2 यानी कि 120 नंबर मेरा हारा है। अब देखिए 40 क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, तो 40 क्वेश्चन रॉन्ग हो गया तो कितना टोटल नंबर हो जाएगा मेरा, कितना मार्क्स रॉन्ग हो गया, तो 40 × 2 इसको भी करेंगे तो कितना हो जाएगा 80 नंबर। अब इस 80 का 0.2 निगेटिव होगा, इस 80 का 0.2 कर देंगे तो देख लीजिए मेरा टोटल जो मार्क्स ऑब्टेंड हुआ था 120 और निगेटिव जो 80 हुआ था, तो निगेटिव घटा देते हैं 80 × 0.2 कर देते हैं, 0.2 कर देंगे तो यहाँ पे 10, तो 10 यहाँ पे ये कट जाएगा तो 16 नंबर मेरा इसमें निगेटिव होगा, यानी कि -16, यानी जो मेरा एकदम फैक्ट जो मार्क्स आएगा एब्सोल्यूट मार्क्स वो मेरा 104 नंबर आएगा। तो समझ गए कि ये निगेटिव कैसे करना और कैसे अपना मार्क्स बताना है। तो उसी के हिसाब से जो मैंने कट ऑफ बनाया हुआ है उसी के हिसाब से आप लोग अपना मार्क्स मिलाकर एक और फिर से चेक कर लीजिएगा। दोस्तों पहले जो वो मैंने गलत बता दिया था उसके लिए मुझे बहुत अफसोस है, तो इसके लिए आप ये देख लें और इसी के हिसाब से जो मैंने कट ऑफ बनाया एक बार उसमें देख लें कि उस कट ऑफ के हिसाब से और इस मार्किंग सिस्टम के हिसाब से आप अपना कंपेरिजन कर सकते हैं। तो ये एक रियल चेक करने का तरीका है कि कैसे यहाँ पे मार्क्स एडजस्ट करेगा आपका, कैसे निगेटिव लिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, और कन्फ्यूज़न 9.2.11 पे आप लोग के विश्वास के लिए बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करते हैं कि जहाँ पे भी गलत होंगे वहाँ पे मैं एक वीडियो बनाकर उस गलती को स्वीकार करूँगा और उसे सुधारने का प्रयास करूँगा। आप लोग इसी तरीके से कन्फ्यूज़न 9.2.11 के साथ बने रहें और अपना प्यार दें। धन्यवाद।